गुरुदेव ईश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी का आज जन्मदिन है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जन्मदिन है और हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग आए हैं। ये उत्सव है हमारे लिए एक श्रेष्ठ साधनात्मक, जिन्होंने इस कलयुग में मंत्र तंत्र ज्ञान को, जो हमारी तपस्या थी, जो पूर्व काल में जिस तपस्या के बल पर हमने पूरे विश्व को पालन किया था, यहाँ से देव विद्या संस्कृत का ज्ञान सब पीठ यहाँ से हुआ था। ऐसे ज्ञान का पुनरुत्थापन करने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश स्वामी जी, जिन्हें हम परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण सिंह माली जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी पूर्व गुरुकुल विद्या को, गुरु ऋषि विद्या को, ऋषिकुल विद्या को और मंत्र तंत्र ज्ञान को पुनर्जीवित किया। तपस्यारत स्वयं को तपस्या में डालते हुए उनने जो कार्य किया, वह हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक विशिष्टता देने वाला कहलाएगा। आज मैं जब इस गोवा के शांता दुर्गा मंदिर में बैठा हुआ हूँ, जो परशुराम की क्षेत्र स्थली कार्यस्थली और चिरंजीवी तत्व का प्रलय काल तक उनके वास का यह जो कार्य हो रहा है, हम उस उन परशुराम को भी, परशुराम जी को भी हम पूर्ण रूप से प्रणाम करते हैं। पूर्ण रूप से प्रणाम करते हुए जब मैंने जैसे आपको कहा कि परशुराम कल्प सूत्र के बारे में, परशुराम जी चिरंजीवी है, हम सप्त चिरंजीवी के बाद मार्कंडेय भी आठवें चिरंजीवी कहलाए, उसमें परशुराम जी का नाम भी लिया जाता है। तो चिरंजीव होने के कारण और अस्त्र शस्त्र विद्या वेदों के वेदों में पारंगत होने के कारण गुरु रूपी बाध्यता को लेकर चलने के कारण मैंने जब परशुराम कल्प सूत्र में पढ़ा, ये लगा कि इस कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो कल्कि अवतार के गुरु के रूप में परशुराम को जाना जाएगा। यानी वे ब्रह्मांड में पहले ऐसे गुरु होंगे जो कल्कि अवतार को सुदृढ़ बनाएंगे, कल्कि अवतार जिनके शिष्य कहेंगे कहलाए जाएंगे, ऐसे उनको परशुराम जी गुरु कहलाए जाएंगे। तो इस गुरु परम्परा को अक्षुण्ण रहने के लिए हम ऐसे परशुराम की इस क्षेत्र स्थली में आ जाएं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहा करते थे कि हम जिए तो सामर्थ्यवान जिए, असमर्थ कीड़े मकोड़ों की तरह अन्याय को सहते हुए, किसी को कुछ नहीं कहते हुए ये जीना जीना नहीं कहलाता। जिए तो सामर्थ्यवान जिए, पुत्र पौत्र धन धान्य ऐश्वर्य आदि से जिए, क्योंकि देवताओं का, देवताओं को इस पृथ्वी पर हम आराधना करते हैं तो उन्हें देना ही होगा। इससे पहले बहुत बार आपको कहा, हम बहुत सारे राक्षस हो या और कोई हो, उन्होंने तपस्या संपन्न की, तपस्या की और उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, चाहे रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, जिसके भी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की आराधना की और उनसे वर मांगा, रावण ने शिव जी की आराधना की उनसे वर मांगा, इस प्रकार के वर प्राप्त, तपस्या करके वर प्राप्त किए। आपको यह पता होना चाहिए कि जिस शिव ने रावण को वर दिया, जिस ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वर दिया, जिस विष्णु, जिस ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वर दिया, या महिषासुर को या भस्मासुर को वर देते समय, क्या शिव जी को यह ज्ञात नहीं था कि ये अन्याय करेगा, ये मेरे ऊपर भी हाथ रखेगा, क्या संसार को, जो तो कालज्ञान त्रिकाल ज्ञानी है, क्या शिव जी को पता नहीं था भस्मासुर में ऐसा करेगा, क्या शिव जी को पता नहीं था कि रावण माता पार्वती को ही पूछेगा, रावण इस तरह का अन्याय करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इन सभी को उस आशीर्वाद से युक्त किया। इसका कारण क्या है, मैं इस बात को बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आप साधना करते हैं, निश्चित रूप से गुरु से प्राप्त कर साधना करते हैं,
तो आप कैसा भी करो आपको वरदान देना ही है। नंबर वन अगर परीक्षा लिखते हो अच्छी तरह पढ़ के तो उस इंजीनियरिंग लेटर को आपको पास करना ही है। बाद में आप IAS बनो या कुछ भी बनो, उसके बाद अन्याय करो वो बात अलग, लेकिन परीक्षा लिखते हैं तो पास करना ही है। उस तरह साधना करते हैं तो उसको आप उस देवता को प्रत्यक्ष होना ही है। बाद में आप क्या करोगे क्या नहीं वो बात की बात। भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर हाथ रखने को गया, हिरण्यकश्यप ने विष्णु को ही भगाया, देवताओं की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करने का ऐसा क्यों हुआ? वो देवता तो जानते थे कि इनको अगर आशीर्वाद देने से फिर आशीर्वाद दिया क्यों? आशीर्वाद दे देते संसार इस तरह नहीं रहता। लेकिन यह काल की गणना है। जो साधना रत है, जो तपस्या रत है, उन्हें आशीर्वाद देना ही है और देवताओं को उनके सामने आना ही है। तो हम तपस्या करने के लिए आगे पीछे सोचते हैं। हम हर बार पूछते हैं कि गुरु जी क्या है साधना? साधना तपस्या नहीं, तपस्या का अर्थ होता है अपने शरीर को ताप देना, शरीर को इस तरह ताप देना कि अगला देवता हो या वो इस तरह ब्रह्मांड में हो जाए कि अगर इसको वरदान ना दूं तो सारा संसार जल जाएगा। आपको पता है ध्रुव बैठे हुए थे और ध्रुव को नारद जी ने नारायण मंत्र दिया। नारायण मंत्र देकर कहा कि ध्रुव क्या करने की इच्छा क्या है? तो वो चाहता था कि मेरे पिता ने, मेरी सौत माता ने मेरे पिताजी के गोद से मुझे नीचे ढकेल दिया और कहा तेरा यह स्थान नहीं है, तो मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ से मुझे कोई ढकेले नहीं, ऐसा स्थान मैं चाहता हूँ। तो ध्रुव को भगवान नारद जी ने कहा मैं तुझे नारायण मंत्र का उपदेश करता हूँ, तू इस नारायण मंत्र का की तपस्या कर। जब ध्रुव ने नारायण मंत्र की तपस्या आरंभ की, वो इतना निश्चेष्ट बालक तपस्या आरंभ की, तो उससे उस तपस्या से जो आग निकली वो सारे ब्रह्मांड को जलाती चली गई। सब लोगों ने पूछा अरे क्या है आग, माँ विष्णु के तल पे ब्रह्मा कैलाश में आग ही आग फैल रही है, अरे क्या इसका बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि ध्रुव नाम का बालक जिसको नारद जी ने आशीर्वाद दिया है उसका वो तपस्या का बल है जो सारे ब्रह्मांड को जला रहा है। तो क्या करना चाहिए? पहले ही जिस देवता को चाहता उस देवता के पास भागो। भगवान विष्णु बिना चप्पल के बिना गरुड़ के भाग किया है ध्रुव के पास। अरे बोल तपस्या रो। ध्रुव ने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा भाई तू जिसके लिए तपस्या कर रहा है वो मैं ही हूँ, तो तपस्या रोक दे नहीं तो ब्रह्मांड जल रहा है। मैंने पहचान कर लिया जिस गुरु ने मुझे मंत्र दिया है वो आके कहे कि मैं जिसके लिए तपस्या कर रहा हूँ आप है, तब मैं तपस्या को करता हूँ। अरे ये तो सरदर्द हो गया। अरे नारद कहाँ गया? विष्णु पुकारने लगे ब्रह्मांड जल रहा है तू जल्दी आ गया। नारद भाग किया है तो नारद को उसने पहले नमस्कार किया, जैसे हमें कहा जाता है कि गुरु और गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने गोविंद की ओर बताए। उसी तरह प्रहलाद को क्या हुआ? नारद जी आते ही साष्टांग नमस्कार कर दिया। विष्णु तो मुंह ताकते रह गए, साला भाई भगवान यहाँ खड़ा रहा नारद को नमस्कार कर रहा है। नारद बोला अरे अरे ये भगवान इनको नमस्कार कर। तो वही कहता है कि आपने मार्ग बताया, आप मेरे गुरु हैं, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ बाद में नारायण को प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने कहा कि यही नारायण है जिनके बारे में तो तपस्या कर रहा था। तो विष्णु ने कहा तू कुछ भी मांग भाई देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू पहले तपस्या रोक दे। बोले तपस्या रोकने की क्या बात, तपस्या क्यों रोको? तो उसने कहा मेरे को ऐसा स्थान दो जहाँ से मुझे कोई हटा न सके, ऐसा स्थान दो जो भी और विशेष स्थान होना चाहिए। आज भी कहते हैं कि विष्णु लोक वैकुंठ से भी ऊपर है ध्रुव का स्थान, जो ध्रुव तारा के रूप में बैठा हुआ है और उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता चाहे ब्रह्मांड को। इसका अर्थ यह हुआ यहाँ रावण ने हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहा था तब भी यही हुआ, ब्रह्मा के पास उनकी ज्वाला चली गई और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक सत्यलोक पूरा तपतपा रहा था तो भाग के आना ही पड़ा ब्रह्मा को। अरे बोल तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। बोले ये तो नहीं हो सकता, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो उसने कहा क्या रात में दिन में बाहर घर के बाहर घर के अंदर ब्रह्मांड में सुबह सब में मेरे को मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उसने समझा मेरे को मृत्यु नहीं मिलेगी, न वानर न पशु न पक्षी न मानव न देवता न क्षर गंधर्व किन्नर कोई भी मुझे ना मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, देना ही पड़ा क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। तपस्या देने के बाद जब आया तो उसने हल्ला मचा दिया। तो सब लोग प्रार्थना करते विष्णु के पास गए, प्रभु ये क्या हो? ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दिया। वो कह रहा है कि किसी की पूजा नहीं करना, केवल मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे को सब कुछ दूंगा। अब ऐसे ही लोगों को ये ब्रह्मा तपस्या के लिए क्यों देते क्यों हैं वर, और ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता क्यों? तब कहा कि जो साधना करता है जो तपस्या करता है उसको फल देना ही है, इसलिए मैं दे दिया। आगे उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं पता,
अच्छा पढ़ा है, पास होगा, आईएएस हुआ, कलेक्टर हुआ। कलेक्टर होने के बाद वो न्याय के साथ चला है, अन्याय के साथ चला, वो तुम्हारे ऊपर आधारित। हमने वोट डाल के अच्छे लीडर को चुना है, एक बार जीत के आने के बाद वो क्या करता है उसका हमारे पता नहीं। हाँ, अन्याय हुआ, न्याय हुआ, तो उसको ये करना ही है जो साधना और तपस्या रत है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, गुरु जी का भी यही कहना था। गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की। साधना अपने जीवन में एक विशिष्ट स्थान बनना चाहिए, लेकिन साधना करने से पहले एक बात याद रखनी चाहिए, वह गुरु जो चेतना युक्त हो, जो प्राण युक्त हो, जो प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम हो, जो अपने मन वाक्काय कर्म से, अगर अपने मुंह से मंत्र बोलता है तो आगे के शिष्य वो मंत्र को सुने और साधना कर सके। मंत्र गुरु ने कहा साधना कही, तू ये साधना कर, तो आगे का शिष्य अगर वो साधना करता है तो गुरु श्रेष्ठ है। नहीं तो हम आज मंत्र सुन आया गुरु जी ऐसे बहुत साधना किया यार, मंत्र पढ़े गए, ऐसा भी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसके साथ साथ विधान भी, ये विधान तुम्हें करना है तो उस विधान के साथ करने वाली भी होनी चाहिए। तुम्हें अगर गुरु कहता है कि तुम्हें जंगल में झाकर पेड़ के नीचे साधना करनी है, तुम्हें दूध पर रहकर साधना करनी है, तो करनी ही है। इस वाक्य को अगर कोई शिष्य पालता है और वो शिष्य सुनता है, शिष्य सुनकर करता है, तो ये पहला वचन हुआ कि वो गुरु सिद्ध है, वचनों से सिद्ध है। उसको